Good morning, everyone. Continuing with our next topic, methods of recording of goodwill at the time of admission of a new partner. जब आप एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हो फॉर्म में, तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं कुछ पार्ट अपने प्रॉफिट का इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर. तो जो न्यू पार्टनर होता है वो उस सेक्रीफाइस के लिए जो ओल्ड पार्टनर है उन्हें कुछ कंसीडरेशन पे करता है, जिसे गुडविल कहा जाता है. और इसे रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में बाय फॉलोइंग मेथड्स जो आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे भी सिचुएशन होगी. तो कौन कौन से मेथड्स हैं? पहला, जब जो अमाउंट ऑफ गुडविल है वो पे की जा रही है ओल्ड पार्टनर को इन कैश लेकिन आउटसाइड दी बिजनेस. दूसरा, जब न्यू पार्टनर लेके आ रहा है अपना शेयर ऑफ गुडविल या जिसे आप प्रीमियम कह रहे हैं कैश में. इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब गुडविल पार्टनर लेके आ रहा है तो उसे हम प्रीमियम ऑन गुडविल या गुडविल कहते हैं, लेकिन एक गुडविल होती है जो बिजनेस में ऑलरेडी अपीयर होती है, तो उसके साथ इस गुडविल को कंफ्यूज नहीं करना है. वो गुडविल बिजनेस में ऑलरेडी अपीयर्ड है एज एन एसेट, और ये जो गुडविल है इसके आगे प्रीमियम वर्ड जुड़ जाता है, तो इसलिए ये डिफरेंशिएट हो जाती है कि ये गुडविल नया पार्टनर जो लेके आ रहा है वो वाली गुडविल है. देन थर्ड सिचुएशन है जब जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर लेके आता है गुडविल का काइंड में, मतलब कैश में नहीं लेके आ रहा है ना उसके कैपिटल अकाउंट से आप निकाल रहे हो, वो काइंड में इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स लेके आ रहा है. देन फोर्थ केस है जब जो न्यू पार्टनर है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके नहीं आता. तो क्या हर एक केस में ट्रीटमेंट होगी हम करते हैं. सबसे पहला है जब जो अमाउंट ऑफ गुडविल है वो पे की जा रही है ओल्ड पार्टनर्स को कैश में लेकिन आउटसाइड दी बिजनेस. आउटसाइड दी बिजनेस है तो कोई भी एंट्री गुडविल की इन दी बुक्स ऑफ फॉर्म नहीं होगी क्योंकि गुडविल फॉर्म के अंदर आई ही नहीं है. दूसरा है जब नया पार्टनर जो उसका शेयर ऑफ गुडविल है या प्रीमियम है वो कैश में लेके आ रहा है, तो उस केस में दो सिचुएशन हो सकती है. जब जो गुडविल या प्रीमियम जो बिजनेस में लेके आ रहा है उसे आप बिजनेस में ही रख रहे हो. दूसरा, जब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने उस गुडविल को या प्रीमियम को बिजनेस से निकाल लिया है, क्योंकि अल्टीमेटली बिलोंग तो वो ओल्ड पार्टनर को ही कर रही है, उन्हीं को नया पार्टनर कंसीडरेशन की फॉर्म में दे रहा है. तो अगर जो गुडविल है अमाउंट ऑफ गुडविल है वो बिजनेस में रिटेन की जा रही है, तो उस केस में क्या क्या एंट्री होंगी. सबसे पहली एंट्री कैश को लाने की एंट्री जो नया पार्टनर लेके आ रहा है कैपिटल और गुडविल के लिए, तो एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. ये किस लिए एंट्री की हमने? जो अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल कैश में नया पार्टनर लेके आ रहा है उसके लिए. दूसरा, जो अमाउंट ऑफ गुडविल वो लेके आ रहा है जो नया पार्टनर लेके आ रहा है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, लेकिन किस रेशो में? सेक्रीफाइस की रेशो में, जिस रेशो में ओल्ड पार्टनर्स ने नए पार्टनर को अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है, तो वो सेक्रीफाइस रेशो है. तो इसके लिए एंट्री क्या होगी? प्रीमियम और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये जो अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर आप करोगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगा. देन नेक्स्ट सेकंड केस, जब जो अमाउंट ऑफ गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली, वो पार्शली भी विड्रॉ कर सकते हैं और फुली भी विड्रॉ कर सकते हैं. पार्शली मतलब उन्होंने पूरा सारे का सारा अमाउंट विड्रॉ नहीं किया है, और फुली में पूरे का पूरा अमाउंट उन्होंने विड्रॉ कर लिया है. तो ये जो दो एंट्रीज हैं वो तो एज इट इज होंगी इस केस में भी. कैश लाने की एंट्री फॉर कैपिटल एंड गुडविल, जो नया पार्टनर लेके आ रहे हैं, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दूसरी एंट्री उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस रेशो में, तो प्रीमियम और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. देन अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं तो उनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर का, वो विड्रॉ कर रहे हैं उसे, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट जितना भी उन्होंने विड्रॉ किया है. इसका एक इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं. ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. देयर कैपिटल्स आर 5 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली.
They admitted C into partnership for 1/5 share in the profit on the condition that he will bring 1,75,000 as capital and 55,000 as goodwill. Assuming that the goodwill and capital have been bought in cash by the new partner, pass necessary journal entries in the following situation. Cash mein bole kya aaya hai? When goodwill is paid privately to the old partners, goodwill is retained in the firm and goodwill is withdrawn by old partner. So, sabse pehli entry, jab goodwill ko privately pay kiya ja raha hai old partner ko, to sirf aur sirf capital ko lane ki entry hogi. Aur capital ke liye wo la raha hai 1,75,000. To cash account debit to C's capital account 1,75,000 ki. Dusra, when goodwill is retained in the business. To sabse pehle goodwill और कैपिटल को लाने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम और गुडविल अकाउंट 55,000 लाया वो गुडविल के लिए कैपिटल के लिए लाया वो 1,75,000 देन उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सेक्रीफाइजिंग रेशो में और सेक्रीफाइजिंग रेशो आपकी जब आप निकालेंगे 1/5 शेयर दिया हुआ है तो मतलब जो ओल्ड रेशो है उनकी वही सेक्रीफाइज रेशो हुई तो 3:2 उनकी सेक्रीफाइज रेशो है तो प्रीमियम और गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 55,000 थी तो 55,000 को आपने 3:2 की रेशो में डिवाइड कर दिया 33,000 ए के कैपिटल में और 22,000 बी की कैपिटल में देन अगर गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं पार्टनर्स तो पहली दो एंट्री एज इट इज सेम रहेंगी जो आप लिख रहे थे जैसे रिटेन्ड इन फॉर्म में रह रही थी तो जो दो वो एंट्रीज थी सेम दोनों एंट्रीज वही रहेंगी एक एंट्री ऐड हो जाती है विड्रॉ करने की एंट्री तो वो होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट तो 33,000 22,000 एंड 55,000 तो ये था हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स एंड द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश यहाँ पर वो कौन सी गुडविल की बात कर रहा है यहाँ पर दो गुडविल्स आ रही हैं एक जो गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी अपीयर हो रही है और एक जो नया पार्टनर लेके आ रहा है शेयर ऑफ गुडविल इन कैश तो ये जो ऑलरेडी गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रिपेयर हो रही है ये एग्जिस्टिंग गुडविल है और ये जो नया पार्टनर लेके आ रहा है अपना शेयर गुडविल में इन कैश ये जो वो प्रीमियम वाली गुडविल है वो गुडविल है तो अगर जो नया पार्टनर लेके आ रहा है गुडविल कैश में और गुडविल ऑलरेडी भी अकाउंट में अपीयर कर रही है तो सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग गुडविल ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर कर रही है हम उसे राइट ऑफ करेंगे और जब आप उसे राइट ऑफ करोगे जब आप उसे खत्म करोगे तो इसका मतलब वो क्या हुआ वो लॉस हुआ पार्टनर्स के लिए ओल्ड पार्टनर्स के लिए और वो लॉस भी कौन बियर करेगा ओल्ड पार्टनर्स ही करेंगे क्योंकि नए पार्टनर का उससे कोई लेना देना अभी तक नहीं है तो उसके लिए जो एंट्री होगी वो क्या होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट और उनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसी रेशो में आप इस गुडविल को राइट ऑफ करते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 4:3 गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एट 87,500 C is admitted as partner for 1/7 share which he acquires equally from A and B. C brings 3,20,000 as capital and 35,000 as his share of goodwill. जो goodwill already books of accounts में appear कर रही है वो है 87,500. तो सबसे पहले इस goodwill को हमें write off करना है. तो write off करने की entry A's capital account debit, B's capital account debit to goodwill account. गुडविल है 87,500 की और इसे हम डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3 तो 87,500 को आपने 4:3 की रेशो में डिवाइड कर दिया तो ए की कैपिटल में आता है अमाउंट 50,000 और बी की कैपिटल अकाउंट में आता है अमाउंट 37,500 उसके बाद जैसे एज इट इज हम पहले क्वेश्चन में करते आए हैं जो सी लेके आ रहा है अपना शेयर ऑफ गुडविल उसकी एज इट इज एंट्रीज जैसे पहले हम करते आए हैं वो करेंगे तो पहले उसकी एक गुडविल और कैपिटल लाने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम और गुडविल अकाउंट थर्टी
3,20,000 कैपिटल के लिए वो लेके आया और 35,000 गुडविल के लिए वो लेके आया. देन उसे ओल्ड पार्टनर्स में आप डिवाइड कर रहे हो उनकी सेक्रीफाइस रेशियो. तो एंट्री हुई हमारी प्रीमियम और गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट उनकी सेक्रीफाइजिंग रेशियो में, और दैट इज 1:1 जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, विच रिक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, मतलब 1:1 की रेशियो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो 35,000 प्रीमियम और गुडविल अकाउंट एंड ए के कैपिटल में 17,500, बी की कैपिटल में भी 17,500. नेक्स्ट जो हमारा केस है दैट इज व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड. इस केस में जो नया पार्टनर है वो अपना जो गुडविल का शेयर है वो कैश में लेके नहीं आ रहा, तो कैश अकाउंट तो डेबिट नहीं होगा. वो किस में लेके आ रहा है, वो एसेट में लेके आ रहा है, तो जो एसेट है वो डेबिट होगी और जो बाकी रिमेनिंग एंट्रीज है वो एसेट्रीज होंगी, जैसे हम पहले केसेस में करते आए. तो इसका एक इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 17. अखिल एंड अरविंद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3. दे एडमिट रजत एज पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स. रजत कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल: लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, कंप्यूटर, डेप्टर्स. ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ रजत द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 6,50,000. गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म. अब ये जो सारी एसेट्स हैं इन्हें हम डेबिट कर देंगे, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, कंप्यूटर, डेप्टर्स, ये सारी डेबिट हो जाएंगी टू प्रीमियम और गुडविल अकाउंट टू रजत कैपिटल अकाउंट. अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि उसका प्रीमियम और गुडविल अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, ये हम कैसे जानेंगे? जो आपका फर्म की गुडविल है वो कितनी है टोटल, 6,50,000, और जो रजत को आपने एडमिट किया उसका शेयर कितना है, 1/5. तो 6,50,000 का 1/5 जब आप निकालेंगे तो वो आएगा 1,30,000. तो ये जो 1,30,000 है आपका प्रीमियम और गुडविल अकाउंट में चला गया, और जब आप ये डेबिट का टोटल करेंगे तो उसमें से जो उसका टोटल आएगा उसमें से 130 माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो आपका रजत की कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा. नेक्स्ट वही गुडविल या जो प्रीमियम वो लेके आया था उसे हम डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में. तो हमारी एंट्री होगी प्रीमियम और गुडविल अकाउंट डेबिट टू अखिल्स कैपिटल अकाउंट टू अरविंद कैपिटल्स अकाउंट 1,30,000, और 1,30,000 को आपने डिवाइड किया 5:3 की रेशियो में, तो ये आया 81,250 अखिल के कैपिटल अकाउंट में एंड 48,750 अरविंद की कैपिटल अकाउंट में. नेक्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.